जामताड़ा के सफाई कर्मियों द्वारा अनिश्चित हड़ताल को रोकने के लिए उपायुक्त जामताड़ा के विशेष आदेश पर जामताड़ा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रामाश्रय दास ने हाड़ीपाड़ा जामताड़ा पहुंचकर सफाई कर्मियों से बातचीत की। कर्मचारियों द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को कहा गया कि पुलिस को अधिकार है कि वो किसी दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु उन्हें किसने यह अधिकार दे दिया है कि वह उनके जात एवं कर्म को गालियां दे। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बार बार निवेदन करने के उपरांत भी सफाई कर्मियों द्वारा अपना बयान पत्र सौंपा गया तथा इससे मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय एवं विभागीय सचिव झारखंड सरकार को अवगत कराने का अनुरोध किया गया। थाना प्रभारी जामताड़ा मनोज कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होने तक हड़ताल जारी रखने की बात की गई है। कोविड-19 के महामारी से निपटने में 3 सेक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर, दूसरे सफाई कर्मी और तीसरा पुलिस। और पुलिस और सफाई कर्मियों के बीच जो ये विवाद हुआ है, ये बहुत दुख का विषय है। मैंने इसमें एसपी और एग्जीक्यूटिव अफसर को लिखा है कि इसका समाधान किया जाए। हम लोग बहुत दुहाई दिए मजदूर लोगों को, सफाई कर्मी को, तो हम लोग तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम लोग आप हाथ पैर हैं और आप एक बदौलत नगर पंचायत चलता है। यदि कहीं कुछ महामारी हो गया, थोड़ा सा इतना आप लोग उन्होंने कर्तव्य परायणता के साथ में काम किए हैं, तो अभी हम लोग का नगर पंचायत और ये हमारा पूरा जामताड़ा शहर बचा हुआ है, और थोड़ा सा भी कहीं चूक हो गई तो फिर हम लोग बहुत ही परेशान हो जाएंगे, पूरा महामारी फैल जाएगा। हमने बार बार इन लोगों को रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मान जाइए, काम पर लौट जाइए। तब इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग को न्याय मिल जाएगा, हम लोग काम करेंगे। मैं गया था नहाने के लिए, गया था तो उधर से 2 पुलिसकर्मी आया और इन लोगों को मारपीट करते हुए छोटू हाड़ी को गाड़ी में बैठा लिया और थाना ले आया। छोटू हाड़ी बगल में तालाब है, वहाँ नहाने गया था। उस दौरान पुलिस आया और छोटू हाड़ी को उठा के ले गया। इसके बीच में उसका माँ ने खबर दिया कि ऐसा ऐसा मेरा बेटा को पुलिस ले गया। हम लोग 5 आदमी गए थे। जाने के बाद थाना प्रभारी द्वारा जो है गाली गलौज, मारने पीटने एवं जेल में भरने का धमकी दिया। मोहल्ला से एक लड़का को जो छोटू हाड़ी नाम है, उसको मार पीट कर मारा पीटा प्रशासन पुलिस उसको। फिर उसका माँ मंजीत देवी मोहल्ला आया, हम लोग को बताया गया कि मेरा बेटा को मारा है। हम लोग फिर साथ में गए थाना। मोहल्ला का एक छोटू हाड़ी जिसकी माँ के संग में गया था नहाने के लिए तालाब, उसका माँ दूसरे घाट में थी, वो दूसरा घाट में था। उस दौरान पुलिस आया, पुलिस उठा कर उसे ले गया। ले जाने के बाद में मारा पीटा। उसके माँ दौड़ कर के आई गांव। गांव में आते ही तो 5 आदमी को बताया कि मेरा बेटा को उठा कर ले गया पुलिस। उस दौरान 5 आदमी हम लोग गए नगर पंचायत का स्टाफ। हम छोटू हाड़ीर माँ बोल छे, हमारा छेला के नहीं गलो पोखर गेल छिलो, हमारा छेला हमें हमारा छेला के नहीं गलो उठाए नहीं मारे धरे लिलो, साला बहन जत कर लिलो, नहीं चले गलो। हमें एलुम कैंदे कैंदे घर पोखर भिजा कपड़े, ऐसे नहीं ताड़ाताड़ी गलूँ थाना। थाना तो जानी थाना प्रभारी के बोल लूँ कि हमने हमारा छेला के नहीं आनलो, तो थाना प्रभारी बोल छे भागो यहाँ से भागो।